कोरोना कर्फ्यू में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पुलिस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में पुलिस 24 घंटे निगरानी रख रही है। अलग अलग पुलिस टीमें ड्यूटी पर कार्यरत हैं। बिलासपुर जिला के अतिरिक्त अधीक्षक अमित शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि जिला बिलासपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यवस्थाओं के लिए पुलिस पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू के लिए जारी गाइडलाइंस की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जहां बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हैं, वहां पर हॉटस्पॉट बनाकर उन क्षेत्रों को लगातार पुलिस निगरानी कर रही है। यदि कोई कोविड गाइडलाइंस की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है तब से अभी तक जिला भर में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना किए जाने पर 2,757 चालान किए जा चुके हैं। इनके साथ ही कई दुकानों को भी सील किया गया है जिन्होंने कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना करने की शिकायत मिली थी और ये कार्रवाई तुरंत अमल में लाई गई है। कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत हमने पूरे जिले में जो है पुलिस की ऐसी व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक थाने में जितने भी कंटेनमेंट जोन है या जहाँ पर संक्रमित ज़्यादा हैं, बाजार हैं, उन सबको जो है 24 घंटे हम कवर कर रहे हैं। वाहन है थाने का दो पहिया चार पहिए वाला, वो लगातार जो है मूवमेंट में रहेगा। मूवमेंट में वो सारी जगहें चेक करेगा बारी बारी। अलग अलग टीमें हैं जो शिफ्ट के अनुसार सारा अपना इलाका कवर कर रही हैं और जो भी कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं। इसी के तहत अभी तक जो है जब से ये कोविड-19 का कर्फ्यू लागू हुआ है 2,753 चालान किए जा चुके हैं गाइडलाइंस फॉलो ना करने के लिए, तथा जो भी कार्रवाई इसके अलावा बनती हुई की गई है, जैसे कई दुकानें जो हैं सील की गई हैं जिन्होंने आदेशों की अवहेलना की है। इसी प्रकार जो हमारे ड्यूटी वाले हैं उनका फोकस है कि कर्फ्यू मेन है, उसकी गाइडलाइंस पूरी तरह से जो है सारी जनता माने, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं और वो जनता हमें। जी सर, नशे के खिलाफ जो मुहिम है वो जिला पुलिस की जारी है। इसमें जो हमारे SIU इंचार्ज इंस्पेक्टर उपेंद्र, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और पिछले 5 दिनों में उन्होंने 2 बड़े केस दिए और आगे भी जो है नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रही।